आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। खेती किसानी से जुड़ा एक बड़ा पर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में मनाया जाता है। इसे पोला के नाम से जाना जाता है। पोला पर्व 2 सितंबर सोमवार को मनाया जाएगा। पोला पर्व के पूर्व तैयारियां आरंभ हो गई हैं। रविवार को पोला पर्व को लेकर बाजार गुलजार रहे। दरअसल पोला पर्व खेती किसानी में उपयोग में आने वाले गौवंशों के लिए मनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं गौवंश, जिस तरह से गाय बैल, मूलतः बैलों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन बैलों को तरह तरह से सजाया भी जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पोला पर्व के एक दिन भादो अमावस्या के दिन बैल और गायों के रस्सियां एक दिन पहले खोल दी जाती है और उनके पूरे शरीर में हल्दी, उपटन, सरसों का तेल लगाकर मालिश की जाती है। इसके बाद पोला पर्व वाले दिन इन्हें बेहतर तरीके से नहलाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है, उनके गले में बहुत बेहतरीन घंटी युक्त माला पहनाई जाती है। गाय बैल उन्हें कपड़े और धातुओं के छल्ले पहनाए जाते हैं। शरीर पर तरह तरह के चित्र उनके उकेरे जाते हैं। पोला पर्व का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ये हमें प्रकृति और पशुओं के प्रति सम्मान करना सिखाता है। ये पर्व हमें एक दूसरे से जोड़ने और मिलकर त्यौहार मनाने का मौका भी प्रदान करता है। देखिए, लकड़ी के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे बैल के आकार के लकड़ी के खिलौने। अधेड़ हो रहे, बुजुर्ग हो रहे लोग बेहतर समझ सकते हैं कि इन बैल की प्रतिकृति, बैल की आकृति वाले इन लकड़ी के खिलौने जिनमें 4 चके लगे होते थे, इसमें रस्सी बांध कर बच्चे जब अधेड़ शिशु अवस्था में रहे होंगे, बाल्यकाल में, उनके द्वारा इसके आगे रस्सी बांध कर इसे खींचा जाता था और पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता था। तरह तरह से इसे सजाया भी जाता था। ये देखिए, इस तरह से लकड़ी की आकृति बनाई जाती है। बाजारों में स्टील और न जाने कितने तरह के बैल भी मिलते हैं जिन्हें बच्चे खींचते हैं, बच्चे उसमें रस्सी बांध कर खींचते हैं। दरअसल उन्हें इस तरीके की मान्यता है कि शुरुआती दौर में बच्चों को ये सिखाया जाता था, बच्चों को ये समझाया जाता था, बच्चों को इस बात की जानकारी दी जाती थी कि उन्हें गाय बैल के साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है, प्रेम उन्हें रखना है और उन्हें किस तरह से नियंत्रण में रखना है। सिवनी के बाजार, शिव की नगरी में बाजार सज चुके हैं। बाजारों में लकड़ी के बैल और यहाँ आप देख सकते हैं सजे हुए तरह तरह के बैल, मिट्टी के बैल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रकृति के साथ आपको जोड़ने का एक बेहतरीन उत्सव इसे माना जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोला की धूम होती है और मध्य प्रदेश में बालाघाट और सिवनी ज़िले में पोले की धूम सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पोला मध्य प्रदेश में सिवनी और बालाघाट क्षेत्र में ही मनाया जाता है। बैल छोटे बड़े आकार के, लकड़ी की प्रतिकृति उन्हें आपको दिखाई दे रही होगी और ऊपर मिट्टी के भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। किसानों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। आपने सजे धजे बैल, बैलों के ऊपर गोल गोल आप देखते होंगे पोला के आसपास, दशहरा के आसपास आपको बैलों के ऊपर लाल, हरे, नीले, पीले, अनेक तरह के रंग के गोले दिखाई देते होंगे। दरअसल बैलों को सजाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट।
पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु से कृष्ण अवतार लेकर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। इस बारे में जब कंस को पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वध के लिए, उन्हें मारने के लिए अनेक असुरों को भेजा। इन असुरों में एक का नाम था पोलासुर। राक्षस पोलासुर ने अपनी लीलाओं से कान्हा को बहुत तंग किया और अपनी अनेक लीलाओं से कान्हा ने पोलासुर का वध कर दिया। कान्हा से भाद्रपद की अमावस्या तिथि के दिन पोलासुर का वध किया गया था कान्हा के द्वारा। इसी कारण इस दिन पोला कहा जाना पड़ा, पोला इसे नाम दिया गया। और इस दिन बच्चों का दिन भी माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी के बाजार आप देख रहे होंगे, बाजार सजे हुए हैं पोला मनाने के लिए। सामग्री यहां पर आपको सड़कों पर दिखाई दे रही होगी और साथ ही पीछे आपको भगवान श्री गणेश, बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सोमवार 2 सितंबर 2024 को पोला पर्व मनाया जाएगा। आधुनिक समय में 21वीं सदी के दूसरे दशक के उपरांत अब बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा शायद नहीं रह गई है, क्योंकि दौड़ती भागती दुनिया, सोशल मीडिया का जमाना, इस सब के चलते पुरातन संस्कृति, प्राचीन तीज त्यौहार अब कुछ फीके पड़ते हुए दिखाई देने लगे हैं। इस तरीके की चर्चाएं भी लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से चलती हुई दिखती हैं। ये आपको दिख रहे होंगे सजे हुए बैल यहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी पूजा की जाएगी पोला के अवसर पर। 2 सितंबर सोमवार को पोला का पर्व मनाया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पोला पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, पोला पर्व मनाने के पीछे कथाएं क्या हैं, इस सब के संबंध में आपको 2 सितंबर 2024 को सुबह एक पृथक से खबर के जरिए आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। पोला पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। खेती किसानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन, अच्छा दिन, शुभ दिन माना जाता है। किसान इस दिन का इंतजार साल भर किया करते हैं। वे अपने बैलों को बहुत अच्छे तरीके से सजाते भी हैं इस दिन। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये सब खबरें कैसी लग रही हैं। अखिलेश दुबे की इस रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।